शो शुरू करेंगे, पहले मैं कह देता हूँ कि सारे जो मेहमान बैठे हैं वो सब तशरीफ ले आए, उसके बाद मैं शो कर लेता हूँ। संजय निरुपम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आइए, बहुत 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 शुक्रिया। तालियां ये है कि ना बजाइएगा, बहुत कम बजाइएगा, जब इच्छा हो कहीं बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब आइए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब इम्तियाज भाई, बहुत बहुत पुराने पत्रकार हैं और MIM के प्रवक्ता के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। उदय प्रताप जी NCP से, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए आइए। प्रसाद लाड जी BJP से, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी, बड़े तेज तरार प्रवक्ता हैं, आइए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए। मनीषा काइंदे जी शिवसेना को रिप्रेजेंट करती रही हैं देश विदेश में, आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन तमाम सारी गर्दनें मेरी तरफ पीछे घूमती हुई, लेकिन मैं सामने आ जाऊंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन ये सिलसिला ऐसा है कि जो कि देश के फुटपाथ पर रोज शाम को 5:45 पर लगता है, तमाम जगह घूमने का काम है मेरा, लोगों से मिलने और उनकी बात जानने का। अलबत्ता कुछ मैंने कहा कि नेता तो हमारे सजे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता सजाए गए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है, चैतुलाल जी की तरफ, बहुत बहुत शुक्रिया चैतुलाल जी, भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये जो मेहमान खुसूसी मेहमान जो हैं हमारे, जिनके खूबसूरत चेहरे सुबह 9 से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ थोड़े थोड़े से उतर गए हैं, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फिर से इसमें रौनक आ जाए, तो प्लीज़ ताली बजाएं, मैं आपके सामने हाजिर हूं, शुक्रिया साहब। और ये ताली वैसे किराए वाली ना बजाए, मुझे किराए की चीज कोई पसंद नहीं है, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आहा, किसने बजाई, बहुत शुक्रिया, मुझे लगना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है 5-star होटल के अंदर से भैया जी कहीं इनका शो करते हुए, कभी कभी चीजें लगता है कि कैसे पैदा की जाए बनाई जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो हैं वो यहाँ पे जो मौजूद हैं सवाल भी पूछेंगे और साथ साथ चीजें जो है हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप ही से शुरू करते हैं, आपकी आवाज तो सभी से वाकिफ है, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ इधर जो लोग कोई नहीं, सिर्फ किसी ने नहीं सवाल पूछा, इनको देख के कोई सवाल पूछना चाहते हैं या जहन में आपके कुछ आ रहा है तो आप कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ दोनों पक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जवाब पूछे उनका सही जवाब दिया जाए, और ये जो जवाब दें अगर सही से नहीं दिए तो अगली बार कोई वोट मत करियो इन लोगों को। एक बात हम आपको बताना भूल गए, दरअसल मेरे शो में कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जब झूठ बोलता तो कैसे चेहरे दिखाई पड़ते, खड़े होइए हुजूर, रात में ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं, तो लिहाजा मेरे शो में कोई झूठ नहीं बोलता, ऐसे ही चेहरे आते हैं। अच्छा, सजने में कितना टाइम लगता है आपको? आप देख रहे हैं पूरी तरीके से वेशभूषा मेरी, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता हूँ, आदत पड़ चुकी है मेरी भी। वैसे एक बात बता दूं मैं आपसे, उस जगह पे बैठना आसान नहीं, आप अपने घर में भी चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, और जीत करके हमको हमारे प्रदेश की जनता ने बड़ा प्यार दिया है, स्नेह दिया है और जिताया है, और मुख्यमंत्री का पद मुझे दिया है, मैं अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, और अगली यात्रा मेरी शुरू हो रही है प्रधानमंत्री तक के बारे में। वाह क्या बात है, बैठे बैठिए चैतुलाल जी, चैतुलाल जी मौजूद हैं, लेकिन मैं बात चैतुलाल जी की करूं या सामने जो हमारे मौजूद हैं नेता लोग, सबसे पहले मैं इम्तियाज साहब आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल मुझे एक जनता ने पूछा है कि आज आप उनसे जरूर पूछिए, आप तो कभी कैनॉट प्लेस में जहां मैं शो करता हूं रोज, कभी मौका लगे तो आइए तो मैं बात करूंगा, सामने आपको फुटपाथ की जनता मिलेगी, और कभी हम यहाँ पे हुए तो आपको जरूर याद करेंगे, लेकिन सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज की राजनीति जो है, मौजूदा राजनीति, उसमें नफरत की सियासत में नंबर 1 पायदान पे आप किसको पाते हैं, किसको रखना चाहेंगे? सवाल जनता की तरफ से आपके पास, बताइए साहब, झूठ और सही का फैसला ही जनता करेगी, इधर बताइए साहब। मेरे 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 हिसाब से
अभी मेरे भाई ने ये बताया है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने सही जवाब देना, अगर नहीं देंगे तो वो वोट नहीं देना। जनता में और नेता में फ़र्क ये होता है, अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो फिर नेता कैसे बनेंगे। सवाल ये है, आपने मुझसे जो सवाल किया है, मेरे हिसाब से आज हम एक ऐसे दौर की राजनीति से गुजर रहे हैं जहाँ एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे नज़र आते हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। हर राजनीतिक पार्टी जो है वो धर्म के आधार के ऊपर ही अपनी राजनीति लेके जा रही है, ये कड़वा सच है, लेकिन देश का ये आज एक सच है और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। पहले हम ये करते थे कि हम किसी को सेक्युलर पार्टी कहते थे, लेकिन आज वो सेक्युलर पार्टी भी धर्म का किस तरह से आधार ले रही है ये सभी लोग देख रहे हैं। तो आज कोई भी पार्टी अपने आप को ये नहीं कह सकती है कि मैं धर्म का सहारा नहीं ले रही हूँ। हर पार्टी आज, छोटी हो आज रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, हर पार्टी आज धर्म का सहारा ले रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कोई गुनाह नहीं है अगर कोई मराठाओं को प्रमोट कर रहा है तो अच्छे पढ़े लिखे मराठाओं को प्रमोट करिए, अगर कोई मुस्लिम्स को प्रमोट करना चाह रहा है कोई राजनीतिक पार्टी तो कोई अच्छे पढ़े लिखे क्लीन इमेज वाले मुसलमान को आगे प्रमोट करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस मुल्क के अंदर जात और धर्म बहुत मायने रखता है। हम आज तक इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि नहीं, हम लोग बहुत सेक्युलर है, लेकिन इलेक्शन के वक्त में ये सेक्युलरिज्म हर एक का ख़त्म हो जाता है। हर एक ये देखता है कि मेरी जाति, मेरी धर्म, मेरे मजहब का आदमी कौन है, मैं उसको वोट दूं, चाहे वो बदमाश रहे, लुच्चा रहे, लफंगा रहे। ये होता आया है, इस वजह से राजनीति का स्तर नीचे गिरा है। मैं समझता हूँ राजनीति के अंदर अगर धर्म अगर आ रहा है तो अच्छे लोगों को, अपने धर्म के लोगों को, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मनीषा जी, जवाब देखिए, ये तो पता नहीं अब यहाँ आके अचानक से कुछ और ही बात कर रहे हैं। बदल जाते हैं ना, बिल्कुल बदल जाते हैं। ये टीवी चैनल पर कुछ अलग बात करते हैं, लोगों में जब पब्लिक मीटिंग्स होती है तो कुछ और बात करते हैं, अब यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं। तो अभी ये तो ठीक है, अभी MIM है वो ऐसे ही बात करेंगे, मगर सवाल ये है कि जैसे मेरी पार्टी की मैं बात करूँगी तो माननीय बाला साहब जी ठाकरे, इन्होंने कभी जाति धर्म का आधार नहीं लिया। सबसे पहले अगर नेता इस देश में कोई थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि आप गीता, बाइबल और इस प्रकार के क्यों आप किसी को कहते हो। आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के कहिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, ये होना चाहिए। अगर हम ये कर पाए तो सच में हम सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इम्तियाज साहब, आप सर क्यों हिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं इस मुल्क के अंदर जाति और धर्म की राजनीति अगर सबसे ज्यादा जोरों से किसी ने शुरू की थी, गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा शिवसेना ने लगाया था। बाला साहब ठाकरे तकरीर बहुत अच्छी करते थे, हजारों और लाखों लोग उन्हें सुनने, तो आप भी अच्छी करते हैं। सुनने के लिए जाते थे। आप भी बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन शिवसेना शिवसेना नहीं रहती अगर बाला साहब ठाकरे मुसलमानों को टारगेट नहीं करते। नहीं, मुसलमानों को टारगेट किए उन्होंने, इस वजह से लोग उन्हें सुनने के लिए जाते थे। अगर मुसलमान है, उन्होंने हमेशा कहा कि जो देशभक्त मुसलमान है उनकी हम सराहना करेंगे, वो हमारा सच्चा मुसलमान ऐसे है जो देशभक्त नहीं है। मनीषा जी, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो देशभक्त नहीं है आपके मुताबिक? कुछ बिल्कुल कुछ है जो देश के खिलाफ बात करते हैं। जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैच कर पाकिस्तान जीते तो यहाँ पर पटाखे फोड़ते हैं। बात पुरानी हो गई, कहाँ अब वो बात पुरानी हो गई? नहीं, पुरानी नहीं, अभी भी होता है, अभी भी होता है। मेरा ये कहना है कि अफसोस इस बात का है, अभी भी कुछ लोग पाकिस्तानी कलाकार को बुलाते हैं। देशभक्ति के सर्टिफिकेट का ठेका ये लोगों ने ले रखा है। इन लोगों के मतलब बीजेपी भी है इसमें, यही लोग है उसमें, ये गाओ, ये बोलो, ये करो, नहीं तो है तो। अच्छा, जो हमारे जवानों को वहाँ पर मारे, जहाँ हमारे सरहद पर जवान मरते हैं, हमें और उस पार्टी के, उस कंट्री के आप झंडा उठाओ तो निश्चित ही हमें आपत्ति है उसके ऊपर। वो हमारे भी फौजी है और फौजियों का पूरा आदर सम्मान होना चाहिए, इसमें अंदर कोई दो वो नहीं है उसमें। लेकिन हम पाकिस्तानी कलाकारों का भी विरोध करते हैं। इम्तियाज जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति का ठेका हम लोगों ने लिया है तो लिया है, क्योंकि देश के ऊपर हम प्यार करते हैं, इस देश के लिए जीते और इस देश के लिए मरते हैं, और ये हम बड़ी गर्व के साथ कहना चाहेंगे। मनीषा ताई ने बताया, उसका भी हम साथ जरूर देंगे कि अगर कोई भी, फिर वो कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा तो हम उसको जीने नहीं देंगे। जब आप कहते हैं जीने नहीं देंगे तो मतलब किस एक्सटेंट तक आप कहते हैं कि हम जीने नहीं देंगे? मतलब आप
इस देश का कानून, क्या बोला? जान से मार देंगे, जीने नहीं। अगर ये राजनीति है, अगर ये राजनीति है, ये राजनीति है, इस देश के अंदर, माफ करिएगा, ये राजनीति है। एमआईएम के लोगों ने कहा है, नहीं, अगर पुलिस हटा दे, इस देश का कानून है, इस देश का कानून, हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे, ये इन्होंने कहा है। अगर ये इन्होंने कहा है, अगर अगर कोई इनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जाके कहता है कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर ऐसे लोगों को अगर हम लोग यहाँ बैठ के उनका गुणगान गाएंगे या उनके लिए हम ऐसे लोग अगर देशद्रोही है तो उनके लिए देश के संविधान का कानून है और वो संविधान के कानून के मुताबिक। बहस इधर बहुत तेज है लेकिन सवाल इधर धीमे क्यों पड़ गए। मैं आ रहा हूँ, मैं एनसीपी की नेता मौजूद है, मैं उनके पास भी आऊंगा। जी कुछ बोलना चाह रहे थे, वो कुलाहट तो ही होगी ना। हाँ मैं समझ गया था, कुर्सी बैठने नहीं दे रही होगी आपको। निकट भविष्य में कभी कोई चुनाव लड़ने का मौका नहीं? नहीं बिल्कुल सही सवाल पूछेंगे। 100% कोई चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। तब तो बहुत अच्छा सवाल, बताइए बताइए। मैं जो ये साहब से कहना चाह रहा हूँ, जो महानुभाव जी ने कहा पुलिस हटा दीजिए हम तब देख लेंगे, तो ऐसे आदमी को नेतागिरी करने का अधिकार है क्या? ये आपसे और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, अगर वो कहते पुलिस हटा दीजिए हम देख दीजिए, मतलब एक दिन पुलिस घर बैठ जाए तो ये 80% हिंदुओं की हत्या कर देंगे। देखो उनको बोलने दो, अपने अपने अल्फाज बिल्कुल एकदम टोल मटोल के बोलना। चलिए बैठिए, जहां इम्तियाज साहब, देखिए इम्तियाज साहब, देखिए वो अगर कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस केस रजिस्टर होता है अदालत के अंदर, अदालत का जो भी फैसला आएगा हम मानने के लिए तैयार है। भरी चौपाल के अंदर एक साहब ये कहते हैं कि ये करना पड़ेगा वरना हम खत्म कर डालेंगे, उन्हें ये सब माफ है? लज्जाजनक, उन्हें ये सब माफ है? लज्जाजनक है, टेलीविजन के सामने लज्जाजनक है, इसको बोलने में हिचकिचाहट नहीं है, लज्जाजनक है, कर देंगे, लज्जाजनक है। हिंदुस्तान के देश के संरक्षण के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो ये तय आप करेंगे, हम नहीं, हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। अगर कोई मिस्टर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर वो वहां खड़ा रह के बताते हैं कि इन्होंने क्या गलत बात की है, तो बाकी सभी लोगों को बोला था ये चीज, फिर राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो या खुद एमआईएम हो, इनको ये चीज माननी पड़ेगी कि ये देश, ये हिंदुस्तान हमारा सबका है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो इसको हम कोई नहीं छोड़ेंगे। संजय निरुपम जी बहुत देर से देख रहे थे, पानी बह रहा है, इधर का भी अनुभव है इन्हें। अब आप बताइए कि राजनीति जहां खड़ी है इस समय, आप छोटे से कस्बे में चाहिए जाए, उत्तर प्रदेश के कस्बे में चाहिए जाए, बिहार में जाइए, सब जगह घूमता रहता हूं, हर जगह ये बात होती है। सवाल ये है कि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, राम और मस्जिद पे बात मत करिए, बात करिए रोटी पे, रोजगार पे बात करिए, अस्पताल पे बात करिए, इस ये मुद्दे लाइए। आप कहां किस पे घूम जाते हैं, कौन से मुद्दे ले आते हैं, लेकिन राजनीति यहां खड़ी है बंटवारा समाज में इतना तीखा करने के तैयार कि नेता कहते हैं हम तय कर रहे हैं, हम तय करेंगे, अगर ये नहीं रहा तो मैं तय करके बताऊंगा कि ये रहेंगे या इस देश में नहीं रहेंगे। संजय निरुपम जी, देखिए ये बात सही है कि जो व्यक्ति देश से प्यार नहीं करता उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, वो व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान या किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी जाति का हो। लेकिन कोई व्यक्ति देश से प्यार करता है कि नहीं करता है ये फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, इस बारे में देश में कानून है, कायदा है, वो तय करेगा। इन्होंने अभी बोला कि टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बातें कहां निकल के आई थी? जेएनयू में, जेएनयू के जिन लड़कों ने अगर ये नारे लगाए थे तो आज तक उन लड़कों को सजा क्यों नहीं हुई? हर कोर्ट से उनको क्यों बरी कर दिया जाता है? इसका मतलब आपके जो आरोप हैं वो बेमानी हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना चाहिए, ऐसा मनीषा जी बहुत जोर से बोल रही हैं, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन कश्मीर के जिन इलाकों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं वो किसके शासनकाल में लहराए जा रहे हैं? आज तक नहीं हुआ। पहली बार जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार वहां बनी है तब पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं और हमारे सेना के जवानों पर हमले हो रहे हैं, और उस सरकार के खिलाफ दिल्ली में जो केंद्र सरकार बैठी है और जो शिवसेना अपने आप को बहुत देशभक्त कहती है, कितना कार्रवाई किया गया है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब मुद्दा यह है जो सवाल आपने उठाया,
बुनियादी प्रश्न इस देश में रोजगार का है, बुनियादी प्रश्न इस देश में रोजी रोटी का है, बुनियादी प्रश्न इस देश में गरीबी और भुखमरी का है, बुनियादी प्रश्न उद्योग धंधे का है। इन तमाम फ्रंट पे, तमाम मोर्चों पे दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सरकार फेल हो गई। आपको एक आंकड़ा देता हूं, जान करके आप चौंक जाएंगे। इन्होंने अभी एक मैग्नेटिक महाराष्ट्र किया यहां पे और कहा कि लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का हमने एमओयू किया और इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 2 साल पहले इन्होंने मेक इन इंडिया किया था, तब इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 8 लाख करोड़ का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट का एमओयू किया है और ये सारा पैसा आ रहा है। 2 साल हो गए, 8 लाख करोड़ में सिर्फ 6,000 करोड़ आया है और पूरा रोजगार उन्होंने कहा था 30 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मालूम है कितने लोगों को रोजगार मिला है पिछले 2 सालों में? सिर्फ 42,000 लोगों का। अब पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूं, मुंबई की बात करता हूं। मुंबई में पिछले साल 81,000 फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए थे, इस साल सिर्फ 21,000 जॉब क्रिएट हुए हैं। तो चूंकि इन मोर्चों पे फेल हो रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद, मुंबई में लगभग 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। जी, फेल हो रहे हैं। अब आप उधर मत जाओ, सुनो, आपने बुनियादी मुद्दा उठाया, जरा सुन लो। डिमोनेटाइजेशन के बाद इस मुंबई शहर में, जो कि पूरे देश के उद्योग धंधों का इंजन है, उस इंजन की खराबी का हाल यह है कि 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी बात, जब जीएसटी आता है, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन का जो डबल इफेक्ट पड़ता है, मुंबई में जितने भी मध्यम वर्ग के और लघु स्तर के जो धंधे थे सब बंद हो चुके हैं। अब चूंकि इन मुद्दों पे लोग सवाल उठाएंगे, चूंकि इन मुद्दों पे लोग बीजेपी से प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न न पूछे, इसलिए हमेशा एक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। और ये नहीं कर रहे, त्रिवेदी जी, ये नहीं कर रहे हैं। ये दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो शुरू होता है, छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ता तक ये कार्यक्रम चल रहा है और पिछले 4 साल से पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है। और अब ये देख देख करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से पूरे देश का विश्वास। मनीषा जी एक 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 रिएक्शन मनीषा जी आपका, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। ये सच है? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के हम खिलाफ कभी भी नहीं थे। डीमोनेटाइजेशन अगर मनीषा जी, सवाल बहुत छोटा सा है कि उन बुनियादी मुद्दों पर ध्यान ना जाए, इसलिए वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो समाज को बांटते हैं। ये हाँ है, ये नहीं है? बिल्कुल हाँ है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन, काला धन बंद होना चाहिए, देश के बाहर हो वो वापस आना चाहिए, ये हमें प्रॉमिसेस दी गई थी चुनाव से पहले। लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि जो कांग्रेस ने 60 सालों में देश का जो नुकसान किया, वो हम उसको ये करेंगे, वो करेंगे। अब डीमोनेटाइजेशन जिस प्रकार से लादा गया, इसके हम खिलाफ थे सबसे पहले। अगर किसी ने कहा कि ठीक है, आप डीमोनेटाइजेशन करना चाहते हो, अच्छी पहल है, मगर जिस प्रकार से वो लादा गया, जिस प्रकार से, लेकिन आपकी खिलाफत को लोग कहते हैं एकदम वैसे ही है जैसे नूरा कुश्ती होती है, आपकी खिलाफत वही है बिल्कुल। नहीं, देखिए, अब ऐसा है कि आप देश पर हर चीज लादोगे। अब जैसे योगा है, स्वच्छ भारत है, ठीक है, हम ये सब चीजें अच्छी हैं, मगर जो मेन प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है, इसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। आज पॉपुलेशन के बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। पॉपुलेशन जब आप कहती तो मेजर्स के बारे में कोई पॉपुलेशन जब आप कहती तो इसका मतलब नहीं, ऐसा है कि जो शहरों की तरफ जो बढ़ रहा है, या तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन मेजर्स, जो कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। आज जो अहम मुद्दे हैं देश के सामने, सबसे बड़ा मुद्दा है युवकों का। आज युवा जो है देश का, वो किसकी ओर देखे, किसकी ओर देखे? मोदी जी की ओर देखे, मोदी जी की ओर देख रहे हैं, मगर वो भी अब लग रहा है कि नहीं, अरे ये तो कुछ अलग ही हो रहा है देश में, मतलब भरोसा नहीं रहा ये इस अब भरोसा उठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रसाद जी, मैं जनता की तरफ भरोसा उठ रहा है, जनता की तरफ उठ रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे संजय निरुपम जी ने जो कहा कि मैग्नेटिक इंडिया जब हुआ, 8 लाख करोड़ के एग्रीमेंट्स हुए, उसमें से 3.91 लाख करोड़ के एग्रीमेंट फुलफिल हो गए। अभी जो इन्होंने बताया 12 लाख करोड़ के एग्रीमेंट महाराष्ट्र, मैग्नेटिक महाराष्ट्र में हुए, और उसमें से भी आने वाले 1 या 1.5 साल में लगभग 60-70% एग्रीमेंट फुलफिल होने वाले हैं। अब विकास की बात करते हो, कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल में जो विकास नहीं किया, वो विकास का काम, फिर वो रस्तों का हो, डैम का हो, पानी का हो, एजुकेशन का हो, बिजली का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, या सौभाग्यवती गैस योजना का हो,
बच्चों के स्कूल का हो, हर चीज नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से निभाई है। डीमोनेटाइजेशन का जो विषय है, मैं निरुपम जी से और मिसेस कायंदे मैडम से एक बात कहना चाहूँगा, उन्होंने बताया कि ये बहुत ठीक था लेकिन इसका तरीका गलत था, किसका तरीका क्या होना चाहिए ये हम लोगों को तय करना है, सरकार को तय करना है। अगर किसी के पैसे इम्तियाज साहब, आपका चेहरा ही मुस्कुराने वाला है या आप इनकी बातों को मतलब ऐसे ले रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं? ये आप लगातार मुस्कुराते जा रहे हैं, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं, नहीं मुझे तो उसका मुझे वाजिब जवाब जी चाहिए। मुझे लाल साहब का अगर भाषण अगर मैं सुन रहा था अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा था इस देश के अंदर की सब मुसीबतें परेशानियां खत्म हो चुकी है, पक्की खत्म हो चुकी है, मैं खत्म हो चुकी है, आप लोग ताली बजाना चाहिए। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिये दुविधा ये है कि हमारी बहन जो है ये शिवसेना से है, इनकी दुविधा ये है इनके मंत्री इनके साथ सत्ता में बैठे हुए है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर मतभेद है, लेकिन सत्ता छोड़ेंगे नहीं। नहीं, नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? इनके मंत्री क्या कहते हैं, हम तो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, जब बोले जब, कब देंगे मैडम? अरे जब आप जब इतने सारे मुद्दों से इनसे नाराजगी है तो सत्ता का मोह इतना क्यों है? सत्ता का मोह इतना क्यों है? आपको पॉलिसीज के ऊपर आपका विवाद है, आपको इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है, लेकिन सत्ता में बैठना है, लाल लाइट की गाड़ी भी चाहिए, मंत्री पद भी चाहिए, अरे छोड़िए ना, तो तब जनता को समझ में आएगा, तब जनता को समझ में आएगा कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, करके आप तो ये है कि जनता ने चुना है, आपको सत्ता भी चाहिए और इनका विरोध भी करेंगे, आपको सत्ता भी चाहिए और इनका विरोध भी करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे? फैसला करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं करेंगे? अगर विरोध अगर सही मानों में करना है, ये तो जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रही है। इम्तियाज जी आप मुझे बोलने दीजिए, अगर घर में एक घर में दो लोग है तो उनको अगर एक कोई गलत काम करता है या तो गलत नीति अपनाता है तो क्या दूसरे ने चुप में रहना चाहिए? तो इसका मतलब है कि हम सत्ता का उपभोग ले रहे हैं, आपके लिए ऐसा होगा? जितनी बातें लाल साहब ने कही है कि इस देश के अंदर सब कुछ बराबर चल रहा है, आप संतुष्ट हैं? अभी वो भ्रम फैला रहे, उस भ्रम जो भ्रम फैला रहे प्रसाद जी, वैसा नहीं है। हम इसलिए हम वहाँ पर बात भ्रम की नहीं है, उनके ऊपर अंकुश रखना भी तो जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंकुश रखना जरूरी है। वही बोलिए जो इनको बोला था, तब तो मजा आए, वरना क्या बोला मजा? आप जो इनको बोला था बोलिए, हम वही बोल रहे हैं। नहीं, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, जबान लड़खड़ा रही है, जबान आपकी लड़खड़ा रही है। आपने तो इनको क्या बोला था? हम विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, और जो इम्तियाज भाई ने जो बताया वो उनको बराबर मालूम पड़ गया कि उनको क्या जवाब देना है। वो विकास के साथ है, सरकार के साथ है, देवेंद्र फडणवीस के रणनीति के साथ है, उनके राजनीति के साथ है, उनके विकास के मुद्दों को लेकर साथ में चल रहे हैं। इम्तियाज़ जी, मैं इम्तियाज़ जी और चित्रा जी हमारे साथ मौजूद है, एनसीपी के सीनियर लीडर, मैं उधर जी आपके पास आता हूँ, सवाल रखना चाहेंगे जी। काफी समय से हम देख रहे हैं इनकी खिंचातानी, लेकिन ये बात तो सही है कि बात हो रोजगार पे, बात हो शिक्षा पे, बात हो वुमन की, जो महिलाओं की सुरक्षा पे। मेरे भाई है प्रसाद जी, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स बताई। हमने पहले सुना था शाइनिंग इंडिया, फिर स्टार्टअप, फिर स्टैंडअप, फिर अभी बहुत सारी स्कीम्स है। अभी जितनी देखेंगे, मतलब जितनी अभी याद करेंगे तो लगता है आधी भूल जाएंगे। लेकिन सबसे इनकी जो महत्वाकांक्षी एक योजना हमने देखी, जिसका जिक्र सम्माननीय पंतप्रधान साहब ने भी किया था, उज्ज्वला गैस योजना। ये उज्ज्वला गैस योजना का भाई कितना फायदा हुआ जी? नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं आ रही हूँ। 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का ये तो पेपर पे और टीवी पे और आने वाले साल में 8 करोड़ लोगों तक वो पहुंचने वाला है। मैं आपको असलियत बताती हूँ इसकी। महाराष्ट्र में हमने 6 जिलों में जो है इसका सर्वे किया, हमने हमारे महिलाओं से पूछा क्या वो खुश है। वो खुश तभी होती भाई जब सिलेंडर का भाव जो हमें मिल रहा है उससे आधा होता। आज 800 रुपये सिलेंडर हमें नहीं हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। रोजगार भी आपने छीन लिया। पिछले 15 दिन की बात है कि हमने देखा महाराष्ट्र में 83,000 जो नौकरियां है, जो रोजगार है, वो बंद हो गया। डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, जिससे रोजगार हट गया। आज कैसे जीना ये बहुत बड़ी मुसीबत का काम है।
और मैं आपको उज्ज्वला गैस का एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। लोगों को मुद्रा के माध्यम से, अरे ये तो फिर वही है, जुमले पे जुमला है, व्यवसाय के लिए ये तो जुमले पे जुमला है। बीजेपी का अभी बात की थी, मुद्रा की सच्चाई बता देता हूँ, मुद्रा की सच्चाई बता दो। एक ही मिनट, मैं थोड़ा सा, मेरी लिंक टूट जाएगी, इनको बता दूं, लिंक टूट जाएगी। काला धन वापस लाने की बात आई थी और मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी जो अभी आप हमें बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। बिल्कुल, हमें हमारे भाई है इसलिए जरा काला धन के कारण ही कांग्रेस और एनसीपी का विरोध है। यही है ना कि कोई भाई है, कोई साझेदार है। प्रसाद भाई, मुझे आपसे पूछना है एक बहुत, ये जनता पूछ रही है, चित्रा वाघ नहीं पूछ रहे, एनसीपी नहीं पूछ रहा। चौकीदारी की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे चुन के दीजिए, देश का पंत प्रधान हूँ, चौकीदारी करूंगा। लेकिन चौकीदार होते हुए भी सारे भाग गए पैसे ले लेके। अभी ये सवाल है कि आगे चौकीदारी का काम दिया जाए या ना दिया जाए, ये जनता पूछ। बहुत देर बाद जनता उठती है। मैं योगेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं कांग्रेस के एक बात देख रहा हूं, वो बोल रहे भाग गया। मैं आपको बताता हूं भागना किसको बोलते हैं। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई और उसमें गैस की वजह से 12,000 लोग मारे गए, कम से कम 50,000 लोग अंधे हो गए, उस एंडरसन को कांग्रेस का मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी में बैठा करके और एयरपोर्ट ले गया था और चार्टर्ड प्लेन से उसको भगा दिया था। इसको बोलते हैं भाग जाना। ये है भागना। जनता कहती है हाँ, मैं आ रहा, I'm coming। जी 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 जी, खड़े हुए महाराज। मैं शैलेश पांडे, शिवसेना से। मैं लाड जी से ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर मुद्दा शुरू हुआ था काला धन से, कि हम बाहर से लाएंगे, लाए तो नहीं, जो था वो लेके जा रहे। मुद्दा था राम जन्मभूमि का, मुद्दा था धारा 360 हटाने का, मुद्दा था कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का, बांग्लादेशियों से हिंदुस्तान से बाहर ले जाने का। क्या एक भी मुद्दे पे, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा था, जिस पे भारतीय जनता पार्टी की नींव पड़ी, वो सारे नींव के मुद्दे आज सब समंदर के पार फेंक दिए हैं और नए नए मुद्दे पे, नए नए एजेंडे की बात करें, उसमें भी नए एजेंडे में भी एक भी एजेंडा पे मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में भी फेल हो चुकी है। बेरोजगारी 8 करोड़। जवाब देंगे, जवाब कुर्सी ध्यान रखिएगा। जी जी जनाब, देंगे जनाब जी। पहली बात तो मैं चित्रा ताई के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। चौकीदार तो वहां ही है, लेकिन भागे हुए लोग किसके किसके गाड़ी में और किसके किसके प्लेन में थे वो खुद देख ले। और दूसरी बात मैं भाई साहब से बोलना चाहूंगा कि मोदी जी आज भी, या ये भारतीय जनता पक्ष की सरकार आज भी उनके साथ ही है, जो जो उन्होंने बताया है, जो कहा है उनको करके रहेगी। और रहा सवाल राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का, तो वो न्याय प्रविष्ट मामला है, उसमें यहाँ टीवी पे आके बात करके चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको सरकार फॉलो करेगी। मनीषा जी कुछ ये प्रसाद जी शायद भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये नारा था, 20 साल पहले, 15 साल पहले भी, कि जब हम पूरी मेजॉरिटी में आएंगे तो पहले धारा 370 को हटाएंगे कश्मीर से, राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अब तो ये भूल गए, हमको याद दिलाना पड़ता है, इसलिए हम इनके साथ हैं। हमको याद दिलाना पड़ता है। नॉलेज के कारण ताई को फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारा 100% आपको याद नहीं है, गवर्नमेंट हमारी सेंटर में है, लेकिन वो जो 370 धारा का जो विषय है वो कश्मीर की विधानसभा में भी पास करना पड़ेगा। हमको कश्मीर की विधानसभा में सरकार आएगी, हम उसको भी हटाएंगे। नहीं नहीं, मगर राम मंदिर के लिए किसने रोका है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। अरे मगर आप इन्फ्लुएंस करते हैं हर बात को, ऑर्डिनेंस भाई आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सीमा है और मैं जनता हूँ। नहीं, आप जनता हैं और जनता, और जनता एक चीज और मैं कह दूं, जनता बड़ी खूबसूरत भी है। शुक्रिया, जनता बहुत खूबसूरत होती। जी, सवाल पूछिए बेधड़क। मैं रोजगार पे सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा पकौड़ा तलना भी रोजगार है, चलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन इस बिजनेस को ईज ऑफ बिजनेस में क्यों नहीं लाया गया? म्युनिसिपैलिटी कढ़ाई फेंक देती है, पुलिस जो है आके मांगती है जो है हमसे कि पैसा दीजिए, तो इसका भी तो ईज ऑफ बिजनेस लाइए यहाँ पे भी तो। अच्छा, ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूँ। कभी कभी कुछ सवाल जवाब नहीं दिए जाते, सुने जाते हैं। जी जी, मैं इम्तियाज सर से पूछना चाहती हूँ, आप जिस इलाके से चुन के आए हैं वहाँ कोई हिंदू नहीं है क्या? किसी ने आपको वोटिंग नहीं की? आप हर बार मुस्लिमों की बाजू क्यों लेते? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि
ये सही है कि मेरे इलाके के अंदर बहुत सारे मेरे हिंदू भाई हैं, वहाँ पे रहते हैं, हमेशा से ही वहाँ पर शिवसेना जीत कर आती थी। 27 सालों के बाद मैं वहाँ पर जीत कर आया हूँ। मेरा पहला इलेक्शन था, लोगों को इस तरह से एक भ्रम तैयार किया गया था, ये एक हैदराबाद की पार्टी है, अब ये महाराष्ट्र के अंदर आएंगी, ऐसा माहौल हो जाएगा। मैं जब चुनकर आया तो हर रोज़ अगर मेरे दफ्तर के अंदर 100 लोग अगर आते थे तो 100 के 100 मुसलमान लोग होते थे। हिंदू मेरे भाइयों और बहनों को ऐसा लगता नहीं था कि ये तो MIM का आमदार चुनकर आया है, ये हमारा काम करेगा क्या नहीं। आज कभी मेरे ऑफिस के ऊपर आइए, अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से 60 लोग मुसलमान होते हैं, 40 मेरे हिंदू भाई बहन होते हैं। उनको एक बात समझ में आई है कि भले ही मैं MIM पार्टी से चुनकर आया हूँ, लेकिन चुनाव के बाद हर इंसान को ये भूल जाना चाहिए कि मैं किस राजनीतिक पार्टी से आया हूँ। जनता की सेवा करना ही हमारा ये है। आप औरंगाबाद में मेरे तरफ से मेहमान बनकर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे काम हमारे हिंदू भाइयों के लिए और हिंदू बहनों के लिए हम कर रहे हैं। चुनावी भाषण में ये कहेंगे कि हम हिंदुओं को हटाएंगे, पुलिस को हटा दीजिए, मुसलमानों का वोट पाएंगे, और बाद में आप इन बहन को इनवाइट भी करेंगे कि आइए देखिए क्या आपके मुंह से। जब मैं ये बातें सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। मतलब आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब ये नहीं होता है। शिवसेना आप बताइए, बाला साहब जी का एक स्टेटमेंट निकालिए, माननीय उद्धव जी का एक भी स्टेटमेंट बताइए कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस प्रकार का जहर उगला हो जिस प्रकार आप हिंदुओं के लिए जहर उगालते हो, ये बताइए मुझे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ये आप तो जहर उगालने वाली पार्टी है। यूट्यूब के ऊपर देखिए, अगर हम जहर उगालने वाली पार्टी है लेकिन एक अच्छा इम्तियाज साहब एक चीज बताइए, हटाइए छोड़िए ये बहस किनारे करते हैं, एक बात बताइए, इतना कड़वा बोलने के बाद ही वोट मिलता है क्या, आज ये बता दीजिए। चलिए साहब साहब देखिए, ये आपको लगता होगा कि ये हम कड़वाई बहुत कड़वाहट हम बयान कर रहे हैं। इस मुल्क की ये सच्चाई है कि पिछले 70 सालों से अगर आप देखेंगे तो हमने किसका साथ दिए। इस मुल्क के अंदर मराठाओं की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, OBCs की पार्टी है, हर राजनीति हर धर्म जात की पार्टी है। मुसलमानों का लीडर इस मुल्क के अंदर क्यों नज़र नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क के 70 सालों के अंदर अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ काम किया है तो मुसलमानों और दलितों को सिर्फ रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया है। इनकी लीडरशिप डेवलप होने नहीं दी है इन्होंने, क्योंकि इनको ये मालूम था कि अगर मुस्लिम लीडरशिप अगर डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीति खतरे में आएगी। आज अगर हमारा एक अस्तित्व अगर हम बना रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास रखते हैं, इस देश के संविधान के ऊपर विश्वास रखते हैं, लोगों की जनता के ऊपर विश्वास रखते हैं। आपको कानून का इल्म है पूरा, इस आईन को आप समझते हैं, जानते हैं और हर उसी के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन सवाल यह है जो इन्होंने कहा कि रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल होती रही। मुझे बहुत आपत्तिजनक लग रहा है इनका बयान। क्या मौलाना आजाद रबर स्टैम्प थे? क्या रफी अहमद की प्लीज रिप्लाई, मैं संजय भाई का जवाब मुकम्मल कर देता हूं। मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात नहीं कर रहा हूं। इसके बाद ये है तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अबुल कलाम आजाद साहब, उनके बारे में है तो ये कहें। आप गिनती के दो एक लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे सजावटी फूल था वो, मेरे पास सजावटी फूल है वो, आप कह रहे वो सजावटी फूल थे फूलदान में रखे हुए। देखिए आज इनके पास बताइए ना मुझे, आज हम अगर यादवों की पार्टी की बात करते हैं तो आपको फौरन नाम आ जाएगा कि मुलायम सिंह यादव साहब है। आप मराठाओं की बात करते हैं तो कितने सारे मराठा लीडर आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आपको शिवसेना नजर आ जाएंगी, भाजपा नजर आ साहब। अगर मुसलमानों की अगर कोई एक पार्टी बन रही है तो इसमें क्या गुनाह हम लोग कर रहे हैं? अगर हम कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो कायदा कानून आपके हाथ में, क्यों आपने क्यों हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों आप हमें जेल में नहीं डाल रहे, क्यों हमारे ऊपर केस नहीं रजिस्टर कर रहे, क्यों आपको अच्छा लगता है आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर केसेस हैं, ओबीसी साहब के ऊपर केसेस है, ऐसा नहीं है। अगर आप इनकी मैं जरा जवाब प्रदेश में आपने कहा इनकी सरकार है स्टूडियो में आप इल्जाम लगा देते हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, अगर हम कुछ आप कैसे कहते हैं कि ये कहते हैं पुलिस आपकी है, शासन आपका है, अरे इस मुल्क के बाशिंदे हैं आप, तो ये कैसे कह रहे हैं आप? मैं जानना चाहता हूं आपसे, इस मुल्क के बाशिंदे हैं आप, इसी जमीन से, तो आप ही कैसे कह रहे हैं कि इनसे कि आप पुलिस आपकी है? अरे इस देश का कानून भी तो आप ही का है, यही संविधान के साथ चलने वाली ये सरकार है, यही मैं बताना चाहता हूं। ये
एक मिनट जरा मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ संजय, जो हमारे MIM के साथी हैं, आपने पहली बार मेरे ख्याल से खुल के कहा है कि हम मुसलमानों की पार्टी चलाना चाहते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो जातियों की पार्टियां हैं, कोई कोयरी समाज की पार्टी चला रहा है, कोई यादव समाज की पार्टी चला रहा है, महाराष्ट्र में धनगर समाज की पार्टी है। तो आप खुल के स्वीकार करिए कि आप मुस्लिम समाज की पार्टी है, लेकिन जब आप मुस्लिम समाज की पार्टी चलाना चाहते हैं बिल्कुल चलाइए, भारत के संविधान ने आपको अनुमति दे रखी। इसका मतलब बाकी पार्टियां मुस्लिम विरोधी हैं ये कहने का हक आपके पास नहीं है। हाँ, जो पार्टी अगर एंटी मुस्लिम एक्टिविटी कर रही है आप एक्शन लीजिए, आप बोलिए, लड़िए उससे, हम आपके साथ आएंगे। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद 2.5 साल की मेहनत के बाद देश के बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठ करके एक लीड लिया, नेतृत्व लिया और एक संविधान बनाया, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मूल आधार बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में हिंदू महासभा के लोग कहते थे कि मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए इस देश में, और अगर रह रहे हैं तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, तब हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, इस देश में हर वर्ग को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और एक एक वोट का हक सबको मिलना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। जिस कांग्रेस ने इतना बड़ा काम किया और उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, जितने रिसोर्सेज है हमारे देश में उस पर सबका बराबर का हक है, जब इस तरह की बातें कहने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहेंगे कि कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता है वो रबर स्टैंप नहीं हो सकता, ये आपत्तिजनक है। गुलाम नबी आजाद रबर स्टैंप नहीं है, सलमान खुर्शीद को आप रबर स्टैंप नहीं कर सकते, ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता इस देश को कांग्रेस से मनीशा, और वो सचमुच देश का अच्छा काम कर रहे हैं। MIM पार्टी को कांग्रेस से कोई भी कंप्लेन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण किया मुसलमानों का, शाहबानो केस को कोई आज तक नहीं भूलेगा। तो ये जो तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया, ये MIM तो आपको खुश होना चाहिए इनके ऊपर, आप इनके ऊपर क्यों खामखा सर? खिलाफत मूवमेंट आज़ादी के समय हुई थी, उस समय खिलाफत मूवमेंट उसी समय की मुस्लिम पार्टी कर रही थी, और वो इसलिए था क्योंकि टर्की में वहाँ के शासन को हिला के ब्रिटिशों ने हटाया था, और उस समय गांधी जी को ऐसा लगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट में जब मुसलमानों का साथ देंगे तो ये हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ देंगे। तो कांग्रेस ने उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी को सपोर्ट करके क्विट इंडिया मूवमेंट में एक उनका समर्थन हासिल किया, वो आज हम लोगों को पाकिस्तान के रूप में नजर आ रहा है। अब ये फिर से MIM को सपोर्ट करके और एक पार्टी खड़ा करके आप क्या चाहते हैं कि फिर से एक कोई नया प्रदेश तैयार हो? इम्तियाज भाई, आप एक बात और बता दें। इम्तियाज भाई एक बात, अगर सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए, एक छूट आपको दे दूंगा मैं। नहीं, मैं ना देना चाहे तो बच सकते हैं, मुझे मालूम है। नहीं नहीं नहीं, इनका सवाल बहुत संजीदा है, मैं इसका जवाब आज जनता के समक्ष कहना चाह रहा हूँ। इस मुल्क से जितनी मोहब्बत ये करते हैं ये बिल्कुल 100% उससे हम कम करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये पूछने का हक भी नहीं है। हमारी वफादारी के ऊपर बार बार सवाल जो उठाए जाते हैं, वंदे मातरम के खिलाफ है। नहीं, वंदे मातरम के खिलाफ क्यों है फिर आप? मैं आपको एक बात बताइए ना, इस देश को नमन करना, इस देश की मातृभूमि को नमन करना, हम किसी भी बात के खिलाफ नहीं है। क्यों जताते हैं? मैं आपको एक बात क्यों नहीं गाते वंदे मातरम? मुझे देशद्रोही का ठपका मुझके ऊपर लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? मुझसे ये कहा गया था कि अब ये कानून लाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि थिएटर में जाएंगे 3 घंटे की अगर फिल्म रहेंगी तो वहां पर जाके आपको राष्ट्रगान करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हर रोज मैं राष्ट्रगान करूंगा, मैं हर रोज मेरे दफ्तर में करूंगा, जहां बोले वहां करूंगा। लेकिन क्या किसी फिल्म के थिएटर के अंदर जाकर आपको ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? ये मैंने मेरा विचार रखा और मुझे पूरा अधिकार है विचार रखने का। मगर ये तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं करना चाहते, राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि देखिए असेंबली के अंदर नहीं करेंगे, ये राष्ट्रगीत के विरोधी है। देश का सम्मान, उसके बाद जो बात हमने रखी थी वही बात सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठप्पा मारा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, थिएटर कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं बहुत गर्व से 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा चढ़ाता हूँ इस मुल्क का। मैं चैलेंज करती हूँ, आप यहाँ खड़े होकर वंदे मातरम गाइए। यही दिक्कत है। आप यहाँ यही दिक्कत है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यही दिक्कत है मनीषा जी, यही दिक्कत है कि मैं कहूंगी तो ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे। देखिए, जो नाटक होता है ना वो सब मेरे ऊपर छोड़िए, उतना नाटक मैं रोज करता हूँ यहाँ पे। वो नाटक मत करवाइए, खड़े होइए, वंदे मातरम कराइए। ना 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 ना, आई वोंट अलाउ। जो स्टूडियो में होता है ना कि वंदे मातरम कराइए, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। आई वोंट अलाउ। आज आपका सवाल लूंगा मैं, आ रहा हूँ आपके पास जी। यहाँ पे आइए और
सिद्ध करिए कि आप भारतीय हैं वंदे मातरम का, ये नहीं जी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष तिवारी है, मैं मुंबई से हूँ। मैं विपक्ष के सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, खासकर निरुपम साहब से, कि आज यहाँ पे एसी चैम्बर में बैठ के विपक्ष बहुत एक्टिव नज़र आता है, बड़े बड़े मुद्दे निकल के बाहर आ रहे हैं, लेकिन 4 साल इस सरकार को हो गए, इन्होंने कई अच्छे काम किए और कई ख़राब काम किए, तो आप लोग एसी कमरों को छोड़ के जनता के बीच में सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं? क्या मोदी सेना से आप लोग डर गए क्या? डॉक्टर साहब अगर मुझे अलाउ करें तो मैं ये सवाल उसके बाद उदय जी से भी पूछना चाहूंगा जी। ये सवाल अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपकी जानकारी का बहुत अभाव है। मैं ऐसा आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि हर हफ्ते तो रस्ते पे उतर के मोर्चा प्रदर्शन करता हूँ, लोग मेरे से थक गए हैं, मेरे कार्यकर्ता मेरे से थक गए, कम से कम मुझसे तो ये सवाल मत पूछो। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, बंद एसी के बंद कमरों में सत्ता पक्ष के गलत नीतियों का विरोध करने का कोई अर्थ नहीं है, रस्ते पे उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरी पार्टी को, और सिर्फ एक पार्टी को नहीं तमाम ऐसी पार्टियों के कार्यकर्ताओं नेताओं को उतरना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नीतियों के खिलाफ है। उदय जी, समय आ गया है, सबको उतरना ही पड़ेगा। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पहले इन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तो आप मतलब भाजपा से संबंधित है या सेना से? किसी से नहीं है। अच्छा, नहीं उदय जी, अच्छा किसी से नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सारी पार्टियां बैठी हुई हैं, हमारे बाएं तीनों जो पार्टियां हैं सांप्रदायिक हैं, इन्हें मैं सांप्रदायिक पार्टी कहता हूँ। इन्हें आप सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं? धर्म जात के नाम पे इन्होंने देश को बांटने की कोशिश की है, ठीक है। बीजेपी वाले रिप्लाई करना चाहेंगे, करेंगे बीजेपी वाले करना चाहेंगे, बरगलाने में एक नंबर है। और बीजेपी जो यहाँ पे बैठे हैं आज, जो भी स्कीम चला रहे हैं देश में या राज्य में, वो यूपीए सरकार और हमारी एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही काम आगे कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। जी, आप इस बात को भी नहीं मानते कि तो मैं उस चीज का विरोध नहीं करता हूँ। 5 मिनट पहले इन्होंने जो जो बात कही थी, इन्होंने जो जो बात कही थी आज तक एक भी काम नहीं किया। 5 मिनट पहले कि इतनी स्कीमें हैं कि मैं स्कीम बता नहीं पाऊंगी, काम कुछ नहीं हो रहा है, बता रहे खाली पेपर पे स्कीम ही है, हम चला रहे पब्लिक अगर, को अगर हम हमारी सरकार की स्कीमें बताना और विकास का काम बताना चालू करें तो आपका 1 घंटे का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। वैसे ज्यादा समय बचा नहीं है, बता दीजिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। हमारी स्कीम के अलावा आपने दया क्या किया? इनके एक स्कीम के बारे में, त्रिवेदी जी, इनके एक स्कीम के बारे में चाहता हूं मैं जरा खुलासा कर दूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से बोलती है कि 10 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत इन्होंने कर्ज दिए। आपको मालूम है मुद्रा योजना में एवरेज कर्ज कितना दिया गया है? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए में कौन सा नौजवान कौन सा धंधा शुरू करेगा? मुझे आज तक इसका जवाब पकोड़े बेच सकता है निरुपम जी, 11,000 में पकोड़े बेच सकता है तो यो क्या नहीं, सबसे पहले हमने शिवसेना प्रमुख को देखा हुआ है कि उनके कार्यकर्ता वड़ा पाव बेचते थे और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी। लाट साहब जरा मुझे पूरी बात कर लेने, मैं पकोड़े पे नहीं आया हूँ, मैं एक मूल बात कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात जो बोलते ना कि 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना में हमने सिलेंडर दे दिया, 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, सब बकवास है, सारे फिगर्स फेक हैं, ये सारे फिगर्स फेक हैं। पेपर पे प्रूव करो, एक बार हो जाने दो ना सर। सर सर आप तो बड़े आदमी हैं, सर आप तो बड़े आदमी, हम लोग छोटे लोग हैं, जरा हमारी बात हो जाने दो। तो ये जितने भी बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, माफ करना, मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से आह्वान करूंगा, इनके फर्जी आंकड़ों में मत आइए। और इतना डर लगता है कभी कभी कोई सही आंकड़ा होता है उस पर भी हमको शक होने लगता है, तो सारे आंकड़े इनके फर्जी हैं। और इसका सबूत यह है कि आप लोगों के बीच जाइए, लोग दुख और तकलीफ में जी रहे हैं और उस तकलीफ को ये पहचानने के बजाय एक शाइनिंग इंडिया वाला जो एक तस्वीर रख रहे हैं वही होगा जो 2004 में इनके साथ हुआ था। मेरा सवाल संजय निरुपम जी से है। मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई का सोशल मीडिया प्रमुख हूं। बहुत देर से संजय निरुपम जी देशभक्ति का राग दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये वही संजय निरुपम जी हैं जिन्होंने उरी अटैक के बदले में जब हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उसको उन्होंने चैनल में बैठ के फर्जी बताया था। भारत सरकार की इस हरकत को, इस साहसी जो भारतीय सेना ने किया था, ये इन्होंने फर्जी करार दिया था, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, जब यूपीए की सरकार थी तो हर 2 महीने पर सर्जिकल स्ट्राइक होता था। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी ने कभी भी उस सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिसाइज नहीं किया, उसके नाम पे वोट नहीं मांगा, लेकिन इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और पूरे यूपी चुनाव में झंडा बैनर लगा करके वोट मांगा, जिसका हमारा विरोध है और आगे भी विरोध रहेगा। कृपया करके
कृपया करके सेना और सैनिक कार्रवाइयों का राजनीतिकरण न करें और उसका चुनाव में फायदा उठाने का प्रयत्न करें। इसका हमारा विरोध था, कल भी विरोध था, आज भी विरोध है, आगे भी विरोध होगा। और ये वही संगठन से जुड़े हैं जिसके प्रमुख क्या कहते हैं कि भारतीय सेना से ज्यादा ताकत हमारे संघ के स्वयंसेवकों में है, उनको 6 महीने लगेगा युद्ध के खिलाफ। मुझे मालूम था पलट के जवाब, 3 दिन में लड़ लेंगे। तो कृपया करके सेना का अपमान तो आपके यहाँ ऊपर से हो रहा है, आप ढोंग ना करें। हम आपके राजनीतिकरण के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। बहुत शॉर्ट रिप्लाई, जवाब तलब ना करिए प्रसाद जी, बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, मैं सवाल पूछता ले रहा हूं। संजय जी ने जो कहा, एक तो बातों को मरोड़ने की आदत कांग्रेस पार्टी को है। जो संघ के प्रमुख ने कहा कि हमारे पास इतनी सेना की ताकत है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए तैयार है, ये नहीं कहा। ऐसा कोई ये नहीं कहा, भारतीय सेना को 6 महीने लगेंगे और हम 3 दिन में पहुंचेंगे, तो वो देश भारतीय ऐसा लाला सवाल सर जी, लाल साहब आपके प्रमुख ने ये कहा कि भारतीय सेना को पाकिस्तान से लड़ने में 6 महीने लगेंगे, जबकि हमारे पास ऐसी सेना है स्वयं नहीं 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 दिनों में युद्ध के लिए आपत्तिजनक है। ये भारतीय सेना की ताकत को आप कम कर रहे हैं। कांग्रेस की 60 साल से आदत रही है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने सच में अगर काम नहीं किया होता तो इस देश के हर राज्य में 19 राज्यों में हमारी सरकार नहीं आती। बिल्कुल, आपने 19 राज्यों में सरकार नहीं आती, जहां पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान है वहां पे भी 300 से भी ज्यादा सीट। ये बात आप त्रिवेदी जी, आपने फिर वही मुसलमान वाली बात की। त्रिवेदी जी कह रहे हैं, त्रिवेदी नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, वो भी हमारे वोटर हैं। त्रिवेदी जी एक मिनट, वो तो हैं वोटर आप। त्रिवेदी जी, लाट साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी महान पार्टी है कि पिछले 4 साल में सारे चुनाव जीत रही है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जनता उनसे नफरत करती थी इसलिए लगातार 60 वर्षों तक चुनाव जीतती रहती थी। ये कौन सा तर्क है साहब? हाँ, हमसे लोग नाराज हुए 2014 में जिसकी सजा हमने भोगी, और आपको बड़े पैमाने पर ताकत दी देश की जनता ने, और उस ताकत को आपने समझा नहीं, माना नहीं, और आखिरकार जनता अब आपको ठुकराने वाली है। जनता की अदालत में आप पूरी तरह से फेल होते दिख रहे हैं। इन्होंने जो भी आरोप किए हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ है, विकास के काम। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी विद डिफरेंस है जी। विकास को नीरव लेके भाग गया। कैलाश वर्मा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जो कल ही परसों ही शरद पवार ने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आप सहमत हैं क्या? मैं बोलूं? बोलिए साहब, बोलिए। शरद पवार जी ने जो बात कही है उसको भारत की सरकार ने भी अक्सर कहा है कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसको भी एक मौका मिलना चाहिए आरक्षण के माध्यम से। लेकिन हम, और वो कर भी रहे हम लोग, लेकिन हमारे देश में जाति के आधार पर एससी और एसटी समाज और उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद ओबीसी समाज के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था हुई, और वो एक संवैधानिक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को अभी चलने दिया जाएगा। उस व्यवस्था में किसी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी सवर्ण क्लास में, सवर्ण वर्ग में इकोनॉमिकली कोई बैकवर्ड है तो उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। यह व्यवस्था भारत की सरकार ने कर रखी है, इसलिए शरद पवार जी ने जो बात कही वो कोई बहुत नई बात है और उस बात पर लोगों को बहुत तकलीफ होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि एनसीपी का है, चित्रा जी या उदय जी इसमें अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। चित्रा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, या उदय जी आप देना, लेकिन खड़े हो ये हुजूर, सो जाते हैं आप। हम कहां सो रहे हैं, हम तो जागे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं देख रहा था कि आप सो रहे थे। अच्छा, हां और क्या, तो कैसा लग रहा, लग कैसा रहा है? जब आपने देख ही लिया कि हम सो रहे थे तो कुछ समझ में आया, क्या दांव पे समझे, कहां लड़ाना है, कैसे हटाना है, सब समझ गए। बड़ी देर से सुन रहे हैं और सुनते समझते एक चीज ये समझ में आई है कि बिना चूल्हे के कोई रोटी बना सकता है क्या? ये आप कह रहे हैं तो हमें लगता कुछ करके आए होंगे घर पे। नहीं नहीं, घर पे नहीं, सब अनुभव ले रहे हैं हम। अच्छा, बिना चूल्हे के कोई रोटी बना सकता है? बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है, लेकिन हम जैसे लोग बना लेते हैं। जिन घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला वहां पर जाके हम रोटियां सेक आते हैं। गजब है आप, गजब है, गजब है, गजब है। मैं आया। एक सवाल जी हुजूर। सर, मेरा नाम नवीन विसरिया है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल अपोजिशन से है, जो देश के अपोजिशन पार्टी में बैठे हैं। मेरा सवाल यह है कि जब से मोदी जी से आए हैं, बीच में 1.5 साल तो संसद चलने नहीं दिया, लोकसभा में बिल पास नहीं होने दिए, और जो यूपीए ने जो एनपीए दिखाया 82% तक था और 37% दिखाया, तो ये जो समय मिला है मोदी जी को काम करने के लिए, इस समय कम नहीं है क्या? और एक टर्म्स नहीं देना चाहिए उनको, मोदी जी को? क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो छोटा सा
बिजनेसमैन हो सर। नहीं छोटे से नहीं होंगे आप, पता कहीं नहीं, अभी इतना दिख रहे हैं आप, हैं और कुछ आप। थैंक यू। चलिए सवाल पूछिए साहब, जवाब दीजिए दीजिए। क्या बोल रहे हैं मोदी जी को, और समय और समय चाहिए और दो चार नीरव मोदी पैदा करने के लिए और विजय माल्या को भगाने के लिए और एक आध रफाइल का घोटाला 58,000 करोड़ का रफाइल का घोटाला करने के लिए और मोदी जी को टाइम दिया जाए। 12 करोड़ लोग, एक मिनट रुक जाओ लाट साहब, ये सवाल अपोजिशन से है। 12 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार है। 12 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार है, क्या इसको 24 करोड़ करने के लिए मोदी जी को और वक्त दिया जाए? इस देश में सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और बंद करना है क्या? ये क्या चाहिए आपको? नीरव मोदी, ललित मोदी, एक बार रुको ना यार, रुको ना, ऐसे क्यों? अरे नहीं, थोड़ा सा तो बात होना चाहिए। रुको, मेरे बिजा हो जाने दो। ऐसा है, 4 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ लफाजी की है, कुछ भी एक्चुअल काम नहीं किया, चाहे जीडीपी के मोर्चे पे हो, आर्थिक विकास के मोर्चे पे हो, या एक राजनीतिक और सामाजिक सामंजस्य के मोर्चे पे हो, या फिर लोगों को रोजगार देने के प्रश्न पे हो, या गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के मुद्दे पे हो, हर मोर्चे पे आपकी सरकार फेल हो गई। अगर एक साल बाद फिर से, जिसकी उम्मीद नहीं है, अगर मोदी जी आ गए तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। मैं संजय जी को, अब ऐसा हाल है, अब ऐसा हाल है कि पहले लोग असुरक्षित थे, अब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज भी असुरक्षित रहे। प्लीज, मैं एक बात आपको, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगला टर्म देने के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। कल यहाँ मुंबई से 20 किलोमीटर के ऊपर अजंता एरोला घारापुरी का एक छोटा सा बेट है। पिछले 60 साल में कांग्रेस एनसीपी की सरकार उसको अभी तक लाइट नहीं दे पाई, 70 साल के आजादी के बाद। एनसीपी में था तो बताए क्यों नहीं तभी? हमने कल वहां पे उद्घाटन किया, वहां पे 22 करोड़ रुपया एमएमआरडी के थ्रू देने के बाद समुन्द्र के नीचे से लाइन डालकर उस गांव को, तीन गांवों को लाइट देने का काम किया। जी जी जी, मैं आया पिक्चर जी आ रहे हैं। उदय जी कुछ कह रहे थे। जी उदय जी बोलिए। कह रहे थे एनसीपी में थे तभी क्यों नहीं ये चीज बताई? राजमंत्री का अच्छा, दर्जा भी हुआ था। संजय जी जो कह रहे हैं, एक वर्मा जी, रुकना जरा वर्मा जी, एक मिनट। 6,40,000 गांव हमारे देश में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सिर्फ 28,000 गांव रह गए थे जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, तब तक मोदी जी आ गए। क्या ये बता सकते हैं कि पिछले 4 साल में 28,000 गांव में से कितने गांव में बिजली पहुंचाई है? अरे हमारी पिछली सरकार ने 12-12-12 को ये किया था, ऐलान किया था हमारे तब के मंत्री ने कि पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में बिजली होगी। आज भी महाराष्ट्र के कई गांव में, मैं तो फिगर दे रहा हूं ना, यही मैं कल बता रहा हूं। कल हम फेल हो गए, हम 3 गांव का बिजली देके आए हैं। नहीं, जहां पे हम फेल हो गए वो 28,000 गांव है। उन 28,000 गांव में से कितने गांव में 4 साल बिजली नहीं दे पाए और आप बता रहे हो कि बीजेपी के पास नहीं है? 6,000 गांव को आपने बिजली दी, मुंबई से 20 किलोमीटर पे आप 60 साल में बिजली नहीं दे पाए। उन्होंने बताया था कि झूठ नहीं बोलना है और फिर से झूठ बोलते जा रहे हो। ये आप दोनों तय नहीं करेंगे, मनीषा जी तय करेंगे कौन झूठ बोल रहा है। मनीषा जी, झूठ कौन बोल रहा है? इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है ये बता दीजिए, बस ये बता दीजिए। दोनों अपने अपने तरह से झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये होती ऐसा है। और त्रिवेदी जी एक मिनट सुनो, इस देश में 6,40,000 गांव है, किन किन गांवों में बिजली पहुंच गई है इसका रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पावर मिनिस्ट्री के पास है? एक मिनट रुको, उन गांवों की लिस्ट इनके पास है जो गांव रह गए थे 2014 के मई तक, उन गांवों की लिस्ट भी इनके पास है। अब 28,000 में कितने गांव में बिजली गई, कृपया करके लिस्ट अधिकृत तौर पर रिलीज करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, 28,000 में 500 गांव में भी बिजली नहीं दे पाए 4 साल में। हम ये चुनौती लेते हैं, 2014 में इन्होंने जो 6 लाख गांव बताए उसमें कितने गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, और 2014 से 2018 तक कितने गांव में पहुंची, वो संजय निरुपम जी को हम भेज देंगे। मैं संजय जी को एक बात बताना चाहता हूं। आप बार बार बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हम कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि महाभारत का एक कैरेक्टर था धृतराष्ट्र, उसको भी कुछ नहीं दिखता था। मुंबई में आप जाकर के देखो, एक और मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, सारी मुंबई के अंदर जो आप लोग ने पेवर ब्लॉक लगा के रख दिए थे ना, वो उखाड़ करके, और वहां पर डामरीकरण का काम चल रहा है। मुंबई को तो छोड़ दो, गांव-गांव के अंदर आप जब बात करते हैं कि 28,000 विलेजेस के अंदर बिजली नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60,000 से ज्यादा विलेजेस में बिजली नहीं थी। कई के अंदर खंबे लगे हुए थे लेकिन वायर नहीं थे, खंबे लगे हुए थे, बल्ब नहीं थे। मैं बता रहा हूं उन सब का आप क्या करेंगे? 6 लाख से ज्यादा गांव इलेक्ट्रिफिकेशन के बाहर थे,
तभी तो जनता भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, कांग्रेस को निकाल के बाहर। एक सीट खाली है, वहां आके बैठिए जाके आप। वाह, गजब के प्रवक्ता जैसे लगते हैं आप तो। प्रवक्ता ही है ना, गजब है भाई जी। अगर छह लाख चालीस हजार गाँव में, अगर 6,40,000 गाँव में से 6 लाख गाँव में बिजली नहीं थी तो मुझे लगता हर रात अंधेरा होना चाहिए था। दूसरी बात अब होगी आपकी बात। दूसरी बात, जहां तक पूरे मुंबई में पेवर ब्लॉक लगाने की बात है, बहुत ही टेक्निकल और लोकल सा पॉइंट उन्होंने रेज किया, मुझे लगता है कि इसका जवाब मिलना चाहिए मुंबई में। अब रुको ना वर्मा जी, अब पूरे मुंबई में त्रिवेदी जी, मुंबई के फुटपाथों पर पेवर ब्लॉक हमने लगाया और इसको उखाड़ के ये डामरीकरण कर रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए, मुंबई के फुटपाथों पर पेवर ब्लॉक लगाने की जवाबदारी शिवसेना बीजेपी जो रूल्ड बीएमसी की है और 25 साल से ये दोनों लोग सत्ता में बैठे हैं। तो पेवर ब्लॉक किन्ने लगाया? पेवर ब्लॉक ये उखाड़ रहे हैं, डामरीकरण ये कर रहे हैं, आगे डामरीकरण ये उखाड़ेंगे। तो कृपया करके अपने पापों के लिए हमें जिम्मेदार न बताएं, ऐसा मेरा आपसे गुजारिश है। देखिए, फुटपाथ के ऊपर पेवर ब्लॉक लगाने की जिम्मेदारी बीएमसी की है। अब जब कोई सभी कमेटी बीएमसी में, बहुत सारी कमेटीज है आपको पता है, तो उस कमेटी में हर एक पार्टी के लोग होते हैं। कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी आपका है, कमिश्नर आपका है। आपके लोग क्या करते हैं? सभी बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रश्न किया, हमारा सुनता कौन है? जवाब दीजिए। हम तो रोज विरोध कर रहे हैं, हमारे विरोध को सुनता कौन है? बीजेपी के राज में एनसीपी के भी कॉर्पोरेटर बैठते हैं उस मीटिंग में, सभागृह में सभी लोग है। कभी इनके लोगों ने विरोध किया? आपका मतलब ये है कि जो अच्छा हो रहा बीएमसी में उसका सेहरा इनके सर पे जाएगा, जो खराब हो रहा है प्रश्न किया है। बोला अच्छा काम कर रहे तो अच्छा श्रेय लेंगे ही, जो करके दिखाया है वो तो करेंगे। कहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रश्न किया पेवर ब्लॉक का कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो लोड शेयरिंग से मुक्ति का जो नारा एनसीपी ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था आघाड़ी सरकार में, मैं याद दिलाना चाहती हूँ भाई, वो हमने करके दिखाया था। आज मैं आपको नहीं, आप सुनिए ना, हुआ नहीं आप आपका यही है। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जितने भक्त हैं बैठे हुए हैं, बिल्कुल है। अच्छा, मैं सुन रही हूँ। भक्त पहचानती कैसे हैं? अरे वो जैसे क्या है कि अगर सच कोई अपनी बात रखनी है तो उसके लिए चिल्ला चिल्लाने के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सच सामने आ जाता है। बिल्कुल, जो बात है वो एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। इसलिए मैं ये देख रही हूँ कि जब कोई कहते हैं या निरुपम जी कहते हैं या हमारे भाई कोई कहता है तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के सामने वाले बात करते, सुनिए तो सही क्या है, क्या किया है। लोड शेडिंग मुक्ति का नारा दिया था और वो बिल्कुल हमने बाकायदा पूरा किया, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आज की आप महाराष्ट्र की आप जो पोजीशन है वो आप देखिए। मैं अभी मराठवाड़ा करके आई हूँ, अभी उत्तर महाराष्ट्र घूम के आई हूँ और वहाँ पे जाके किसानों की हालत देखिए क्या है। लोड शेडिंग की वजह से आज अगर हम बिल नहीं भर सकते तो किसानों की लाइटें कट हो रही है भाई, किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के दालान से कर रहे हैं। आप इसके ऊपर बात बड़ी कीजिए, क्या आपको चाहिए? जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं आप उसके ऊपर बात कीजिए, जो कहा था वो आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बात कीजिए। आप 2012 की जो बात हमें याद दिला रहे हैं, आपने जो आने के बाद जितने वायदे किए थे, जितने इरादे किए थे, उसका क्या हुआ उस पे बात बिजली बिजली कुल हो रही है मुंबई के, महाराष्ट्र के गांव में अंधेरा है। इससे बड़ा सबूत ये है इस सरकार की फेलियर की, जहां चौपाल हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि 5-स्टार होटल में 50 मिनट तक बिजली गुलती और इस कार्यक्रम का प्रसारण बंद हो गया। ये फडणवीस सरकार के बिजली मुहैया कराने की फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे रिजिम में कभी किसी मुंबई शहर में कभी सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे संजय जी कि ऐसा हुआ या नहीं, सच बोलिएगा, हुआ या नहीं हुआ? नहीं, टेलीविजन में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आई थी जी। बहरहाल बिल्कुल आखिरी सिरे पे खड़े हैं। अरे कभी फुटपाथ में मिल जाना तो पूछ लेना, आज रहने दो यार जी। हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस के साथी से है। मैं इंजीनियर हूँ बाई क्वालिफिकेशन, बाई प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरे साथ 8 दोस्त थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी और 8 में से 6 लोग US, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। हम दो लोगों ने सोचा कि हम हमारे देश में रह कर बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके देश की तरक्की में कुछ सहयोग करेंगे। आज 6 साल हमें बिजनेस को हो गया है। आज हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हम
विदेशों में जाके सेटल नहीं हुए, आज हमने बिजनेस किया, आज हमारा 80% ऑफ टाइम वी आर वेस्टिंग इन फॉलोइंग अप विथ सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, ये ऑफिसर वो ऑफिसर हमारे बिजनेस पे ध्यान। सर जीएसटी से फर्क नहीं पड़ा? मैं बता रहा हूँ, जीएसटी के बारे में भी आ रहा हूँ मैं। सो आज हम 70 साल कांग्रेस ने 60 साल लगभग राज किया है हमारे देश पे, ऐसा हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ रहने के बाद हमने गलती करी है? दूसरी चीज, आज जीएसटी आने के बाद कम से कम इतना फायदा हुआ है कि हमें 10 ऑफिसर्स 10 इंस्पेक्टर्स के पीछे नहीं भागना है, आज हमारा एक सीए जो कम क्वालिफाइड सीए है वो काम कर पा रहा है। हमें 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 ये क्यों मजबूर किया गया कि जब तक मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे नहीं दूंगा मेरा काम नहीं होगा? जी ये कुछ सवाल थे, कुछ सच्चाइयां थी जिससे रूबरू हो रहे थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वक्त वक्त और वक्त, वक्त हुआ खत्म, आप हंसे भाई, आपका वक्त हुआ शुरू, तो ठीक है, इसके बाद जो मेहमान यहाँ पर आएंगे वो उनसे आपसे वो मुखातिब होंगे, लेकिन भैया जी कहीं में आज अभी बस सिर्फ इतना, सोमवार को किसी फुटपाथ पे देश पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।